हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं माओ चाइना में कैसे आया। द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्थापना माओ के द्वारा ही हुआ था, और माओ ने ही सबसे पहले पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से 1949 में एक पार्टी बनाया, और माओ का पूरा नाम माओ जेडोंग था। ये माओ ही था जो चाइना के फेस को जो है एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फेस को चुना आगे बढ़ने के लिए, और उसके डेथ तक जो है वो काम करता रहा। 1976 में उसका डेथ हो गया। माओ जेडोंग जो था वो एक अपने जीवन से ज्यादा जीने वाला व्यक्तियों में से था, क्योंकि वास्तव में इसे इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसने अपने जीवन के दौरान जो है ऐसे काम किए जो चीन उसे पूछने लगा। चीन के काफी लोग जो है माओ को पहले पूछता था, लेकिन बाद में माओ जो है बहुत सारे चीजों के लिए जिम्मेदार पाया गया, वो चाहे जो है डायरेक्टली हो चाहे फिर इनडायरेक्टली जो है माओ काफी अपराधों के पीछे भी जिम्मेदार था, क्योंकि माओ एक दो लोगों की नहीं हजारों लोगों को जो है मौत के घाट उतारने का जिम्मेदारी माओ के सर पे ही जाता है, क्योंकि इसमें फिर डिजास्टर इकोनॉमिक की बात हो वो भी माओ के सर पे ही जिम्मेदारी आता है। उसने करवाया ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 to 1960 में, और इसके कारण क्या हुआ कि काफी बेमौत को जो है मरना पड़ा भूख के कारण और तरह तरह के अलग कामों से के कारण। तो इसमें क्या किया, माओ ने पहले सोचा कि छोटे छोटे इंडस्ट्री जो है गांव में लगाएं, और इसके लिए पूरे खेती वाली जमीन को उसने जुटवा के और फिर से नया प्लेन बना दिया, और नए प्लेन को जो है बनाने के बाद प्रोडक्टिविटी बहुत ही डाउन हो गया, और प्रोडक्टिविटी जैसे ही चीन में डाउन हुआ तो एग्रीकल्चर लैंड जो था अब किसमें कन्वर्ट हो गया था, वो इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट हो गया था, और माओ चाहता था इंडस्ट्री लगाना, लेकिन इसके कारण जो है टेंस ऑफ मिलियंस का जो है निर्दोष इनोसेंट पीपल का जो है डेथ हुआ, वो भूख के कारण चीन में मारे गए क्योंकि खाने के लिए अनाज नहीं था और जो है कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं था उस जो उसे जीने के लिए सहायता प्रदान करे। बट चाइना का रिवॉल्यूशन 1966 to 1976 में जो आया उसको कहते हैं चाइनीज स्पिरिचुअल होलोकास्ट। ये दूसरा जो है वो फिर से चाइना ने लॉन्च किया माओ के नेतृत्व में, और माओ ने करवाया था ये भी स्टार्ट, जिसमें जो है कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजी को आगे लाके उन सभी विचारधारा जो माओ के समर्थन में नहीं था उसे किसी भी तरीके से जो है सोसाइटी से अलग कर दिया जाए या तो फिर उसे मार दिया जाए, दो ही था। माओ ने हर कैपिटलिस्ट को और जितने भी ट्रेडिशनल चाइनीज लोग थे उन्हें समाप्त कर दिया, और एक तरीके से जो है जितने भी बीमार रही था उसे काट के माओ ने अपने सोसाइटी से फेंक दिया। ये जो है लाखों हजारों आदमी का फिर से जो है माओ ने कत्ल करवाया, ये भी चीन में ही हुआ, और तरह तरह की साजिश जो है माओ सेंटर पावर में इसी तरीके से साजिश करके जो है आ गया, और अब जो है वो आफ्टर द डिस्ट्रेस ओके।